चैनल में स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 350, जिसका हैंडल बार यहाँ पर चेंज किया जाएगा। कुछ इस तरीके का हैंडल बार आपको देखने को मिलता है। जो कंपनी की तरफ से आपको हैंडल बार देखने को मिलता है वो ये वाला हैंडल बार है, जो कुछ इस तरीके की लुक देता है आपको। जिसका जो हैंडल बार अभी चेंज किया जा रहा है वो कुछ किस तरीके का लुक देता है ये आपको दिखाएंगे हम वीडियो के अंदर। तो दिखाते हैं आपको, जो हैंडल बार है वो ये वाला हैंडल बार है आपका, जो कंपनी की तरफ से लगा हुआ आता है। इस हैंडल बार को हम कन्वर्ट करने वाले हैं कुछ इस तरीके के ये वाले हैंडल बार में। ये हैंडल बार आप देख रहे हैं कुछ इस तरह के स्टाइलिश हैंडल बार, जो यहाँ पर चेंज किया जाना है। ये वाला हैंडल बार लगाया जाएगा अभी रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड में। देख सकते हैं जो हैंडल बार पर जो भी कंट्रोलिंग्स थे वो सब कंट्रोल्स यहाँ से ओपन कर दिए गए हैं। और फाइनली जो है बार को रिमूव करने के लिए जो मेन जहाँ पर हमारा बार कसा जाता है उसको भी यहाँ से लूज करके बार को यहाँ से अभी निकाल दिया जाएगा। तो देखते हैं जो नया बार लगता है उसका कैसा लुक आता है गाइस। जहाँ तक मुझे लगता है कि बार अगर नया लगता है तो उसके बाद एकदम लुक ही नया निकल कर आएगा बाइक का। कुछ अलग ही फील आएगा और कुछ अलग ही लुक बदल जाने वाला है यहाँ पर नए वाले हैंडल बार को लगाने के बाद। तो थंडरबर्ड का नया लुक इस बाइक में अब कैसा देखने को मिलता है आपको इस बार के लगने के बाद पता लगेगा आपको, जब सभी कंट्रोलिंग्स जो हैं बार में लग जाएंगी। और ये हैंडल जो बार है वो लगाया जा रहा है अब फाइनली जो कंट्रोलिंग्स हैं उसके साथ। इस बार का जो लगाने का सिस्टम है, जो काम है वो शुरू हो चुका है। और बिल्कुल बाइक का एकदम से लुक ही चेंज हो जाता है जब ये वाला हैंडल बार इसके ऊपर सेटअप करते हैं। तो कुछ जैसा लुक आता है निकल कर कि किस तरह का लुक आता है वो आपको दिखाएंगे जब कंप्लीट बार लग जाएगा और सभी कंट्रोलिंग्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। फिलहाल एक बहुत अलग स्पोर्टी लुक देखने को मिलता है बाइक का। तो फाइनल लुक में दिखाते हैं किस तरह का लुक बाइक में आता है। बार ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, कंट्रोलिंग्स भी उसके सेट हो गई हैं। अब जो इसके हमारे जो मिरर्स हैं वो दूसरे टाइप से लगाए जा रहे हैं, दूसरे तरीके के जो आपको देखने को मिलेंगे। पहले जो आपको देखने को मिले थे वो हैंडल बार के ऊपर लगे हुए थे, अभी जो ये लगने वाले हैं जो हमारे हैंडल बार पे कंट्रोलिंग्स हैं एस्केलेटर और क्लच साइड की, उस बार के साइड में लगने वाले हैं। और कुछ किस तरीके का देखने को मिलता है ये बताते हैं आपको। सो गाइस, इस तरीके से ये नया वाला हैंडल बार लग के जो अलग ही स्पोर्टी लुक निकल के आता है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड का, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ये कुछ इस तरीके की स्टाइलिंग जो हैंडल बार की जो स्टाइलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, कुछ इस तरह की स्टाइलिंग आपको देखने को मिलती है। और कुछ इस तरीके का इसका स्मार्ट लुक बन जाता है। फ्रंट प्रोफाइल से अगर इस बार को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये बार देखने को मिलता है आपको। तो ये कुछ बताया मैंने आपको इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर जो हैंडल बार और इसके जो रियर व्यू मिरर जो चेंज किए गए हैं वो कुछ बहुत ही स्मार्ट लुक के साथ और अच्छी कंट्रोलिंग के साथ ये बार आपको यहाँ देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का ये बार आपको यहाँ देखने को मिलता है। साथ में इसके रियर व्यू मिरर जो एडजस्ट किए गए हैं वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो गाइस बने रहिए चैनल पर, हम कुछ और नए वीडियोज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कुछ और मॉडिफिकेशंस के बारे में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thanks for watching and subscribe the channel.